तो है वर्ल्ड्स 8 अजूबा सर, जो लोग पोस्ट फॉल वायलेंस में महिला के ऊपर इतना अत्याचार किया वो लोग डेमोक्रेसी का बात करते हैं सर। सर बंगाल में 30% का राजनीति चलता है, दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर राजनीति चलता है, सरस्वती पूजा रोग का राजनीति चलता है सर। 59 कार्यकर्ता का इस पंचायत चुनाव में मौत हुआ है सर। 2011 से मुख्यमंत्री जब से बना महिला मुख्यमंत्री तब से सब जगह में महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं। खुद का इमेज बनाने के लिए उन्होंने मणिपुर को हथियार किया। बोलते हैं कि पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री चुप क्यों है, किसी ने सही कहा है, गुंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में। सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए, राजस्थान पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ पर गुंगा और बहरा विपक्ष और मणिपुर पर बोल रहे हैं, इन्हें शर्म आना चाहिए। पश्चिम बंगाल के लिए बोले, हिम्मत है तो राजस्थान के लिए बोले, हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ के लिए बोले। सब लोग बोलते हैं चोरे चोरे मस्तू तो भाई। बंगाल के मुख्यमंत्री 5 लोगों का टीम भेजते हैं मणिपुर में, मालदामार में 2 विवश महिला को विवश करके उसको पुलिस के सामने पिटाया, वीडियो वायरल हुआ। टीम तो छोड़ दीजिए, एक पंचायत सदस्यों को भी उन्होंने नहीं भेजा। उनका जो सोकर इंटेलेक्चुअल है वो भी कैंडल लाइट लेके उन्होंने मिचिल नहीं करते हैं, और हमारा मुख्यमंत्री पूरा मौन व्रत ले लिया। सर मणिपुर तक पहुंच जाने वाले विपक्ष को पश्चिम बंगाल राजस्थान छत्तीसगढ़ का जीपीएस लोकेशन अभी तक मिल नहीं रहा है।